मोहतरम सामईन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत की मुदत आज ख़त्म हो रही है, जिसके बाद इन्हें दोबारा से कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इनकी रहायशगाह जाती उमरा से कोर्ट लखपत जेल तक एक रैली की सूरत में ले जाया जाएगा, जबकि इस मौके पर इनके हमरा मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी होंगे। मुस्लिम लीग ने उनके रहनमा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भरपूर इजहार यकजहती के अज़म का इजहार किया गया। दूसरी जानब जेल इंतजामिया ने भी शाम 6 बजे के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लीगी क़यादत ने रैली का वक़्त तब्दील करने से इनकार कर दिया। वाज़ह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत की मुदत आज ख़त्म हो रही है, जिसकी बिना पर इन्हें दोबारा जेल में भेजा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने काफिले की सूरत में नवाज शरीफ के साथ जाने का फैसला कर रखा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में ऐलान किया था कि वो खुद मियाँ साहब को छोड़ने जेल जाएंगी। उन्होंने कहा कि जितना कठिन फैसला एक बाप का बेटी का हाथ थामे जेल जाने होता है, इतना ही कठिन एक बेटी का अपने महबूब वालिद को जेल छोड़कर आना है, मगर मैं जाऊंगी क्योंकि मकसद कौमी है और बाप बेटी के रिश्तों से कहीं बड़ा मकसद है। कौमी मकसद कुर्बानी मांगते हैं। आज इंशाल्लाह कारकुनों के साथ होंगी। वाज़ह है कि नवाज शरीफ के घर से ज़रूरी सामान पहले ही जेल पहुंचा दिया गया है। पुलिस हकाम ने नवाज शरीफ की जेल वापसी के लिए हफाजती पलान को भी तैयार कर रखा है। सिक्योरिटी के लिए जाती उमरा से लेकर कोर्ट लखपत जेल तक 400 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 3 SPs, 6 DPOs और 10 SHOs शामिल होंगे। तो मौजूदा सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा लें। शुक्रिया।